हेलो फ्रेंड्स, मैं योगिता अपने योगी किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ गुजरात की सूरती तुवर दाने की कचौरी बनाना शेयर कर रही हूँ। सर्दियों में तुवर की सीजन होती है, तब वो ज़्यादा मात्रा में बाज़ार में मिलने लगती है और उस समय उसका टेस्ट भी अच्छा रहता है। तो वो तुवर के दाने कुछ महीने के लिए फ्रीजर में स्टोर भी कर सकते हैं और उसे आप बिना सीजन के स्टोरेज दाने से बहुत सारी वैरायटी बना सकते हैं। पर आज मैं आपके साथ उसकी कचौरी कैसे बनाई जाती है वो रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो चलिए हम गुजराती सूरती रेसिपी तुवर की कचौरी बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे 250 ग्राम तुवर के दाने लिए हैं। इसे मैंने अच्छे से धो लिया है। अब इसे हम चॉपर में क्रश करेंगे। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इसे मिक्सी जार में भी डरडरा सा पीस सकते हैं। तो चलिए इसे हम क्रश कर लेते हैं। चॉपर में भी दाने को हमें ज़्यादा नहीं पीसना है, इसे हमें मोटा मोटा ही पीसना है। सो चॉपर में मैं आधे दाने ऐड कर रही हूँ क्योंकि पूरा नहीं समा रहा है। और इसमें हम आधी टीस्पून जितनी सौंफ भी ऐड करेंगे ताकि वो भी साथ में पीस जाए। अब इसे हम दरदरा सा क्रश कर लेते हैं। चॉपर में थोड़ी जगह हो जाने के बाद इसमें हम दूसरे बचे हुए दाने भी ऐड कर लेते हैं। अब इसे भी हम साथ में क्रश कर लेते हैं। तुवर दाने को हमने क्रश कर लिया है। अब इसे हम फ्राई पैन में पका लेते हैं। फ्राई पैन को हम हाई फ्लेम पर रखेंगे और उसमें हम 3 टेबलस्पून जितना ऑयल डालेंगे। ऑयल जब गर्म हो जाए तब गैस की फ्लेम को हम लो कर देंगे और गर्म हुए ऑयल में हमने जो क्रश किए हैं दाने वो डालेंगे और इसे लो फ्लेम पे ही रोस्ट करेंगे। 2 से 3 मिनट तेल में सेकने के बाद उसमें हम अदरक लहसुन और ग्रीन चिली की पेस्ट डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और उसके साथ ही बची हुई सौंफ भी ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले को अच्छे से भून लेंगे हम। अब इसमें डालेंगे बाकी के इंग्रीडियंट्स। 1 टीस्पून जितना नमक डालेंगे, 1 टीस्पून जितना गरम मसाला डालेंगे, 1 टीस्पून जितना धनिया जीरा पाउडर डालेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा डाल सकते हैं। मसाला मिक्स करने के बाद इसमें हम 1 टेबलस्पून जितनी शुगर ऐड करेंगे। गैस की फ्लेम को लो रखेंगे और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। शुगर आप पाउडर करके भी डाल सकते हैं और वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा डाल सकते हैं। अब 1 टेबलस्पून जितना तिल डालेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। तिल को अच्छे से मिक्स करने के बाद 2 टेबलस्पून जितना किशमिश डालेंगे, 2 टेबलस्पून काजू डालेंगे। ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये मिक्स हो जाने के बाद इसमें हम ग्रेट किया हुआ फ्रेश कोकोनट डालेंगे। फ्रेश कोकोनट की जगह आप सूखा नारियल भी डाल सकते हैं ग्रेट करके, या डेसिकेटेड कोकोनट भी डाल सकते हैं। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 2 से 3 मिनट पकाएंगे। 2 से 3 मिनट सभी चीज़ें पकाने के बाद इसमें हम अब हरा धनिया डालेंगे और हरा लहसुन डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसे मिक्स करते वक्त हम गैस की फ्लेम को अब बंद कर देंगे। बचा हुआ हरा धनिया और हरा लहसुन फिर से मैं ऊपर से डाल रही हूँ। अब इसमें हम डालेंगे नींबू का रस। नींबू का रस आप आखिर में ही डालें। आधी नींबू का रस मैंने स्प्रिंकल किया है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तुवर दाने कचौड़ी का स्टफिंग बनके रेडी हो गया है। अब इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने रखते हैं। ये ठंडा हो रहा है तब तक हम आटा बुन लेते हैं। आटा बुनने के लिए मैं यहाँ पे 1.5 कप जितना मैदा यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो 1 कप मैदा और 1/2 कप गेहूं का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें 1/2 टीस्पून जितना नमक ऐड करेंगे और इसे अच्छे से छान लेंगे। अब इसमें हम 3 टेबलस्पून जितना देसी घी का मौन लगाएंगे। आटे में अच्छे से घी को मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा ज़रूरत के मुताबिक पानी ऐड करके आटा बुन लेंगे। आटे में आप थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाए और इस तरह आटा भूने। अगर एक साथ में पानी डाल देंगे तो आटा ज़्यादा गीला हो जाएगा, तो इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक मीडियम सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। तो डो हमारा तैयार हो गया है। अब इस पर हम तेल या घी लगा के इसे कवर करके
साइड में रख देते हैं। इस तरफ मिश्रण भी हमारा ठंडा हो गया है तो 2 टेबलस्पून जितना मिश्रण हाथ में लेंगे और उसे दबा के हुए हम इसकी गोटियाँ तैयार कर लेंगे। इस तरह छोटी छोटी गोटियाँ बना लेंगे हम। सभी मिश्रण की गोटी बना ली है, अब हम इसकी कचौड़ी बनाते हैं। कचौड़ी बनाने के लिए गोटियों को कवर करने के लिए हमने जो दो तैयार किया है उसमें से छोटी छोटी लोई बनाएंगे और लोई में से हम छोटी छोटी पूड़ियाँ तैयार करेंगे और वो पूड़ियों में हम ये गोटियों को कवर करके कचौड़ी बनाएंगे। इस तरह लोई लेके हम छोटी पूड़ी तैयार करेंगे। इसमें से पूड़ी हमें पतली बेलनी है, पूड़ी को ज़्यादा मोटा नहीं रखेंगे। अब स्टफिंग की एक गोटी लेके पूड़ी के बीच में रखेंगे। अब इस तरह इसे बंद करेंगे। अच्छे से बंद करने के बाद ऊपर का पोर्शन बचता है उसे हम निकाल देंगे। आप चाहे तो हाथ से भी इसे खींच सकते हैं और चाहे तो कैंची से भी आप काट सकते हैं। तो इस तरह हमने कचौड़ी तैयार कर ली है। इसी तरह हम बाकी की सभी कचौड़ियों को तैयार कर लेंगे। हमने कचौड़ी तैयार कर ली है, अब इसे हम तेल में डीप फ्राई करेंगे। तो तेल को मैंने गरम करने रख दिया है और वो गरम हो गया है। तो गैस की फ्लेम को हम मीडियम हीट रखेंगे और कचौड़ियों को डीप फ्राई करेंगे। कचौड़ी को तलते वक्त आप गैस की फ्लेम को मीडियम हाई ही रखें। अगर आप गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे तो कचौड़ी ऊपर से लाल होकर पक जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो गैस की फ्लेम को आप मीडियम हाई ही रखें और मीडियम हाई हीट पे कचौड़ी को तल ले। कचौड़ियों को तेल में रखने के बाद आप बीच बीच में इसे हिलाते रहिए क्योंकि कचौड़ी हमारी अच्छे से तल जाए, ये अंदर से भी अच्छे से पक जाए, इसीलिए हम इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे। 5 से 6 मिनट इसे तेल में तलने के बाद कचौड़ी डीप फ्राई हो गई है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। अब निकालने के बाद इसे हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तुवर दाना कचौड़ी आप लंच में, डिनर में, मेन कोर्स के साथ खा सकते हैं और इसे आप ग्रीन चटनी, टोमेटो सॉस के साथ नाश्ते के तौर पे भी खा सकते हैं। तो आप ऐसी गर्मा गर्म तुवर दाना की कचौड़ी बनाइए और आपके अनुभव मेरे साथ शेयर करें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अगर रेसिपी पसंद आती है तो रेसिपी को आप दोस्तों में और फैमिली से शेयर करें। और मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।